वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। आमिर ये बताएं, एक्टिंग भी आपने शुरू कर दी है? जी हाँ सर, एक्चुअली मैंने इन 2016 से आई स्टार्टेड माय कैरियर और एज अ मेन मॉडल, और उसके साथ मैंने टीवीसीज किए, डीवीसीज किए, कमर्शियल्स किए, टेलीफिल्म्स की, और अभी मैं कराची में जो है करना जा रहा था एक ड्रामा, और बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बट इंशाल्लाह आफ्टर दिस आई विल डू दिस। एक्टिंग में कौन पसंद है, किसका सर, काम देखते हैं तो कहते हैं यार ऐसा काम होना चाहिए? है तो ऐसे पाकिस्तान में आपको पता कि बहुत सारे ऐसे लेजेंड हैं और बहुत अच्छे अदाकार हैं, बट यहाँ पे मैं एक बंदे का नाम लेना चाहूंगा जो कि है हुमायूं सईद साहब। आई लव हिम बिकॉज उनकी जो एक्टिंग स्किल्स है और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और डायलॉग की जब डिलीवरी वर्ड देते हैं, आई लव इट। और रिसेंटली एज यू नो कि जो उनका ड्रामा सीरियल बड़ा फेमस हुआ मेरे पास सुमो, और आफ्टर वॉच दिस ड्रामा, और मैं तो उनका फैन और ज्यादा हो गया हूँ, और मैं वैसा बनना चाहता हूँ एक्जैक्टली जिस तरह के वो ड्रामे के अंदर से वैसा बनना चाहते हैं। नहीं, जिस तरह की वो डायलॉग की डिलीवरी करती है और जिस तरह वो करेक्टर प्ले करते हैं, जिस तरह वो एक्टिंग करते अच्छा, हैं एक्जैक्टली वैसा बनना, यानी कि हमायूं सईद साहब आइडियल है। Exactly. मेरे भी आइडिया है हुमायूं सईद भाई। अच्छा, उसे कॉमेडी कर रहे हो उनके रहो दिल करता जी। कोई आप ड्रामे फिल्में वगैरह देखती हैं काफी रेगुलरली? मैं देखती हूँ, मुझे शौक है। हाँ, मैं मूवीज भी देखती हूँ। कोई एक्टर्स आपके पसंदीदा हो? मुझे मायरा खान बहुत पसंद है। इमरान खान क्यों नहीं पसंद? यार हर खान भी पसंद होता। अच्छा जी जी, मायरा खान। इमरान खान अब किसी को भी नहीं पसंद। तू ना छेड़। अच्छा, मायरा खान के बारे में, विल स्टिक टू मायरा खान। आई थिंक मायरा खान एक्टर भी अच्छी है, और शी इज ऑल्सो अ गुड ब्रांड एम्बेसडर। जहाँ ऐसे सोशल इश्यूज हो वो अपनी अवेयरनेस क्रिएट भी करती है। मेविश हयात इज ऑल्सो गुड। सो आई थिंक ऑल ऑफ आर अपकमिंग वुमेन एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ मेन। मेन में भी कोई आप नाम, कोई खान आपने कोई देखा? नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ आप देख लें, फवाद खान हो, अली जफर। अली जफर वॉज एक्सेलेंट। उन्होंने सबसे पहले अपनी वो गाना लॉन्च किया कोरोना पे, एंड इट गॉट सो पॉपुलर, सो उसने बड़ा काम किया अवेयरनेस कोरोना की। सो आई थिंक ऑल ऑफ दीज एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हु आर कमिंग फॉरवर्ड स्पेशली एट दिस टाइम, आई थिंक ऑल ऑफ देम आर प्रीटी इंपॉर्टेंट। और सनम सईद जैसे वो शी वाज स्टक इन थाईलैंड, तो आई थिंक हमारी उनका अच्छा रोल है। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड जो अभी मौला जट मूवी आ रही है, हाँ वो आई एम हमजा अब्बासी भी हैं उसके अंदर। हाँ जी, हमजा अब्बासी के नाम पे आप मुस्कुरा क्यों दी? हमजा अली अब्बासी को ना एक्टिंग ही करनी चाहिए, सियासत की तरफ ना। नहीं तो सियासत तो वो करते भी नहीं है, वो तो सिर्फ अपने ट्विटर पे और फेसबुक पे कमेंट शॉमेंट करते रहते हैं, बट वो बहुत पॉलिटिकल। आई मीन ऑब्वियसली एवरीवन कैन हैव अ ओपिनियन, बट द वे ही रेजेस हिज ओपिनियन इज समटाइम्स नॉट करेक्ट। आर यू अ फैन ऑफ हमजा अब्बासी एक्टिंग? हमजा अब्बासी की जो ड्रामा सीरियल था माया अली वाला, वो मुझे बहुत पसंद था। अच्छा, आई रियली लाइक्ड इट। ही इज अ गुड एक्टर, but as a politician I think he should remain away from politics. He should. And same for Imran Khan. Imran Khan sab politics se dur hai. I think wo cricketer ki had tak aur as a philanthropist is fine. Hai na, late ho gaya thoda sa. Jaise ye aap bhi ye manenge ki unki jo last 1.5-2 saal ki performance hai, bade buzdar ki aur chote buzdar ki, दोनों की बहुत बड़ी है। ये जो बड़े बुजदार छोटे बुजदार, देखें आप लोग इतना बड़े मियां साहब छोटे मियां साहब करते हैं, आपको हर चीज में बड़ा छोटा मियां एक ही बुजदार है, वो नीचे हैं, ऊपर खान साहब में नीचे बुजदार हैं, ये बड़े मियां छोटे मियां क्या हो गया? बेसिकली होता है ये कि बुजदार साहब की परफॉर्मेंस हैज बीन क्वाइट इनकॉम्पिटेंट। अच्छा, ठीक है। एंड सिमिलरली इमरान खान साहब की भी सेम परफॉर्मेंस। ठीक है, होता ये है कि देखें अभी सिंध में मुराद अली शाह ने और सिंध ने बड़े अच्छे स्टेप्स लिए कोरोना को फाइट करने के, फिर भी आप देखें कि फेडरल के सारे वजीर, चाहे फैसल वाडा साहब हो या मुराद सईद हो, वो उठते हैं और क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ बुजदार साहब कुछ नहीं कर रहे पंजाब में, लेकिन उनको सपोर्ट है। पहले तो वो बनीगाला की तरफ देखते रहते कि वहां से कोई ऑर्डर आए तो हम कुछ करें, वो वहां से ऑर्डर खुद नहीं आता क्योंकि उनको पता नहीं होता लॉकडाउन कर्फ्यू लॉकडाउन कर्फ्यू। पहले 2-3 तकरीरें तो इसी पे रही हैं। तो बेसिकली अगर पंजाब की पुअर परफॉर्मेंस है उसको भी फेडरल से इमरान खान साहब से सपोर्ट मिलती है, लेकिन अगर सिंध की अच्छी परफॉर्मेंस है उनको क्रिटिसिज्म मिलता है, विच इज नॉट फेयर। वैसे ये बिल्कुल मुझे वो वाला जमाना याद आ गया जब 2008 के अंदर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनी थी और शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे टेंट लगाते थे मीनारे पाकिस्तान में कि मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ और मुझे फेडरल जो है पीपल्स पार्टी वाले नहीं बैक कर रहे। याद है ना आपको वो जमाना जब पंखी लेके बैठ गए थे टेंट लगा के, कि लाइट नहीं दे रहे, लाइट नहीं दे रहे, और
आगे फेडरल वाले चुप करके बैठे, बिल्कुल वैसे नहीं जमाना याद आ रहा आपको? मैं वही कह रही हूँ कि हमें फेडरल को और सारे सूबों को एक पेज पे होना चाहिए, ठीक है। इमरान खान साहब ने कोरोना पे एक बड़ी कंफ्यूजिंग मैसेज दिया, उन्होंने कहा मतलब कि सूबों की ऑब्वियसली आफ्टर द 18th अमेंडमेंट उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन एज ए लीडर आपको ये शो करना चाहिए था कि हमें कंट्री के लिए लॉकडाउन इज इम्पॉर्टेंट, एवरीवन इज गोना फॉलो दैट। आई थिंक इट शुड हैव बीन अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टांस, बिकॉज देखिए आपकी सेहत है, जान है, तो आगे सब कुछ है। तो एज ए लीडर यू शुड हैव कम फॉरवर्ड एंड सेड कि नो, एवरीवन इज गोना इम्प्लीमेंट अ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर कोरोना एट दिस टाइम। दैट्स व्हाट आई थिंक। बड़े जबरदस्त मशवरे हैं हिना के, आप क्यों नहीं इनको अपना एडवाइजर रखते? आप ये बताएं कि माशाल्लाह इतनी प्यारी ड्रेसिंग की आपने, क्या बात, कैसे सोच आती है इतने मसन के डिजाइन ये वो बनाती है? अच्छा, आप फैशन सेंस सोचना जानना चाह रहे हैं कि व्हाट्स द थॉट बिहाइंड, जब आप सोचती हैं कि आज ये होना चाहिए? जब भी माशाल्लाह आप मेरी बहन आती है वो ज्यादा से ज्यादा प्यारी लगती है, इसका मुझे बताएं थोड़ा सा। बताइए जी अपनी फैशन सेंस, फैशन मोमेंट जो होता है। एक्चुअली सोचा था कि यू नो ऐसा कलर पहनू, लास्ट टाइम मैंने ना शो पे लाइट पिंक पहना था, तो मुझे बहुत लोगों ने कहा आपने लाइट कलर नहीं पहनना, आपने ब्राइट कलर पहना है, तो इसलिए मैंने ये कलर ब्लॉकिंग की, टू कलर्स कंट्रास्ट। इज दिस योर ओन क्रिएशन? नहीं, ये मेरी एक फ्रेंड है, वो डिजाइन करती है। अच्छा, कभी मॉडलिंग का ख्याल आया आपको? नहीं नहीं आया। नहीं, और कभी एक्टिंग का, कॉलेज लाइफ के अंदर भी कभी नहीं? अपने कपड़े आप खुद ही पहनती हैं या डू यू हायर अ मॉडल फॉर दैट? नहीं, मैं जब शूट करवाती थी तो मैं यूजली मॉडल हायर करती थी, वो पहनती प्रोफेशनल शूट। खुद कभी नहीं आपने कभी? होता ना डिजाइनर्स खुद भी पहन के निकल जाते हैं कि चलो भाई पैसे ही बचे मॉडल के, खत्म हो। आई समटाइम्स एक्ट एज अ इन्फ्लुएंसर, फॉर एग्जांपल मेरी फ्रेंड्स भी हैं और कोई और डिजाइनर्स भी मुझे कह देते हैं कि कपड़े पहन के एक आप ट्वीट कर दें या इंस्टा पे कर दें, सो एज अ इन्फ्लुएंसर आई डू, बट नॉट नेवर, कभी मुझे शौक नहीं रहा। शौक नहीं आपको हुआ? हिना जी एक दिन डिजाइनर कपड़े पा के घर बड़े ने, तो नौकरानी ने भी वही डिजाइन पाया, वो मारे इन्होंने उन्होंने। यू नो आई एम रियली वेरी डिसहार्टेड टुडे। सो एम आई। यू नो देयर इज नो कॉन्सर्ट बिकॉज ऑफ कोरोना। अरे यार आजकल नहीं हो रहे? यस, बट मेरी जिंदगी तो जबीरन हो गई ना, अजीरन हो गई है भी, मैं कितों खावा। So I went to the somebody, मैं कह यार कोई कारोबार दसो, कहते ने आजकल शुतर मुर्ग की फार्मिंग करो, बड़ा फायदा होगा। शुतर मुर्ग? यार शुतर मुर्ग जे देखो, एक ते अंडे देंदा, दूसरा जिबा करके पका भी सकते ने। अच्छा। फिर घर दे विच रखो ते तुरदे फिरदे बड़े सोहने लगते ने। सो आई वेंट टू somebody, मैं कह कोई ओपीनियन दो, कहते ने हाथ ठंडे लियाओ, ओदे विचों शुतर मुर्ग निकलणगे, फिर शुतर मुर्गनियां भी निकलणगे, फिर उन्होंने दे बच्चे होणगे, फिर लखां करोड़ां दी तदाद च हो जाणगे। बिल्कुल। सो मैं कहां अंडे कित्थों मिलणगे? कहंदे ने आई डोंट नो। ओ एटलीस्ट मैं किसी को पुछदा पछांदा एक बंदे को पहुंचया, ठीक है, उन्हें कहा गिव मी द 20,000, आठ अंडे दियांगा तेनू मैं। मैं लैंड लॉर्ड को दुआरे पैसे लैके अंडे लेंदे ते आईदा आईदा अंडा ते बड़ा पारा, मैं कह ते बड़ा पारा है ते वड्डा बड़ा है, कहंदा पुत्र आईदा शुतर मुर्ग भी ते निकलना है। मैं क्या ओके, अंडे निकले ही नहीं, बच्चे भी नहीं निकले। अब आपको क्या चाहिए? वो मैनू किसी ने दसिया, वो मैनू पत्थर दे अंडे दे, यू नो मेरे चलो करके गया। अब मैं हूं 20,000, मेरा लैंड लॉर्ड कहना 20,000 लिया नहीं तो मैं तेन छित्र मारा। नून लीग वाले आए फॉरन ट्राई कर। आई लव नून लीग, जमाल शरीफ साहब मेरे फेवरेट प्लेयर। नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब के जमाने च मैं कोई खांदा पींदा सा, जिसम च जान हैगी सी, जदों की पीटीआई आई है लतां च जान नहीं, गोदे पीर बहुत वीक हो गए। यस, दो वीकां च ज्यादा वीक हो जदों जी कोरोना आई है, जदों आएगा। नून लीग बैठी हुई है। ओ मैं बाजी नूं बड़ी अच्छी तरह जानदा हां, गाना भी नहीं सुना उन्हां नूं, मेरे ते यकीन है कि मैं जिंदा क्या है सच ही क्या है। अच्छा, आप इमरान खान साहब से सीख लिया आपने ये? क्या? वो भी जब तकरीर करते हैं वो चंदा मांगते हैं। सारे एक्सपर्ट्स बाहर उनको कह रहे हैं इस वक्त इकोनॉमी सब बंद है, बिजनेस बंद है, फिर कह रहे हैं
उनसे ये पूछे कि एटलीस्ट जो डैम फंड के पैसे कलेक्ट हुए थे हमें चाहिए कि उसको इस वक्त हम कोरोना फंड में तब्दील करके यूज करें। थैंक यू एनीवे, आई रिमेम्बर योर मॉम, वो भी मेरी बड़ी हेल्प कर दे सन। बल्कि आप पैसे उन्होंने दे दो, अमर साहब को दे दो, काम बंद है। नहीं, दिस इज अ गुड गाय, थैंक यू सो मच। मुंह तो ही लगता है एक टाइम का खाते हैं, बाकी गल के पैसे तो बनते नहीं, कभी चपेट ही मार दे।